उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के सतनी सराय चौकी के जमुआ गोपालपुर गांव में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। जमीनी विवाद में 55 वर्षीय श्रीराम यादव की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि श्रीराम का शव गांव से ही कुछ ही दूरी पर खेत में बरामद किया गया है। खलबली तो तब मची जब एक अधेड़ की हत्या कर शव को खेत में फेंका गया। श्रीराम यादव की पत्नी की मौत कुछ दिन पहले ही हुई थी। श्रीराम का एक बेटा भी है। श्रीराम यादव अपने पिता के बड़े बेटे थे। श्रीराम यादव खेत को बटैया लेकर खेतीबाड़ी का काम कर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन श्रीराम के परिवार पर पाटीदारों की नज़र काफ़ी दिनों से थी। श्रीराम यादव को कई बार धमकियां भी मिल रही थीं। हर दिन की तरह वो अपने खेत को रात में देखने जाता था। मौके की फिराक में बैठे हत्यारों ने उसी समय श्रीराम की हत्या को अंजाम दे दिया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के इर्द गिर्द खेत में लगी खड़ी फसल में खोज करने में जुट गई। लेकिन पुलिस को अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। परिजनों का आरोप है कि जमीनी विवाद के चलते श्रीराम की हत्या की गई है। क्या हुआ? तीन जन मेन नमजोर क्यों मारे हैं? यही लो मारे हैं। क्यों मारे हैं? मारे ही लो पहले से दमसाता था। किस लिए? वही से देखना जाता। हाँ वही के लिए, वही के लिए। का वजह बा? अपने घर के कोनो खेत वाला, खेत वाला खेत बारी के लेके टेंशन बा। हाँ ए बेटा कैसन खेत के लेके कहे ले रे हम कहे आगे बढ़े वाला के लिए। ये कौन कह रहे हैं? है ये कौन लोग कह रहे थे? वही लोग कह रहे हैं जिसका नाम धीरा है, वही लोग कह रहे हैं। तीनों लोग कह रहे हैं। क्या बाद में पहले धमकियां भी देते थे? हाँ। किस तरह की धमकी देते थे? धमकी देते हैं। किस तरह की धमकी देते थे? देते थे जान मरेगा। कौन बोला था जानवाने के लिए? पहले बोला है नाम वही बोला। क्यों क्यों धमकी देते थे? किसे धमकी देते थे? धमकी क्यों देते थे आपको? वही खाती ऐसे का जो कभी कभी तुमको मारेगा। किस लिए मारेगा? मारेगा ऐसे नहीं देख जाता है, मारेगा तुम चलता है फिरता है इसीलिए मारेगा। ये मारने के लिए कौन कहा था? वही दो दिन कहा विजय कहा है जयराम। श्री रामचंद्र के बारे में बताया जाता है कि इनकी पत्नी की पहले मृत्यु हो चुकी है, एक लड़का है 12-13 साल का। और आपने देखा होगा कि नीचे बंधे के नीचे काफ़ी दूर जाके बाग में पेड़ के नीचे इनकी हट है और आसपास की पूरी ज़मीन को लेकर के बटाई पे जमीन लेते थे और खेती करते थे, वहीं पे रहते थे। तो अभी तक तो घर के परिवार के लोगों द्वारा किसी व्यक्ति विशेष की तरफ ऐसा कोई इंगित नहीं किया गया है कि इन्होंने की हत्या की है। सबसे पहले प्रश्न है कि इनकी हत्या क्यों की गई और कारण जानने के बाद ही हम उस तह तक पहुंचेंगे कि किसने किया है। हमारी पूरी फॉरेंसिक साइंस की टीम डॉग स्क्वाड सब मौके पे हैं, पूछताछ चल रही है और जब अनावरण होगा आपको अवगत करा देंगे। ठीक है, उसको देख लिया जाएगा, मतलब आरोप है, अगर उसमें कोई सत्यता होगी तो उस आधार पर कार्रवाई होगी, वो एक अलग बिंदु है। लेकिन अभी तक तो यही बटाई करते, बटाई तो कोई स्वेच्छा से ही देता है अपने खेत की ना, उनको न दे करके किसी और को देता तो बटाई तो कोई इशू होता नहीं, बटाई तो आप किसी की भी ले सकते हैं। 302 IPCC, मतलब अभी तो लगता है कि गला दबा के हत्या की गई, तो 302 में पंजीकृत होगा अभी। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए बलिया से आबिद अली की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़।